बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने हम एक हैं सबक हम एक हैं इसके हमने 3 क्वेश्चन कल किए थे। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है। देखें उसमें पहला क्वेश्चन जो हमने कल किया है उसमें है 23 मार्च की खुशी में तकरीब कहाँ हो रही थी। 23 मार्च की खुशी में तकरीब मीनार पाकिस्तान के आसपास हो रही थी। मरियम और बिलाल सिंध के किस शहर में रहते हैं। तो मरियम और बिलाल सिंध के शहर सखर में रहते हैं। और सिंध के जनूब में जो समुंदर है उसका नाम क्या है। सिंध के जनूब में जो समुंदर है उसका नाम बहीराए अरब है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमने कल किए थे, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, किस सूबे में 5 दरिया बहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किस सूबे में 5 दरिया बहते हैं, ठीक है। आगे है हमारा सवालिया निशान सवाल के बाद, कि सूबे में 5 दरिया बहते हैं। देखें अब हमने इसका जवाब लिखना है। हाँ जी, आप लोगों ने रीडिंग में किया है कि किस सूबे में 5 दरिया बहते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, देखें सूबा पंजाब, इसका आंसर क्या है, सूबा पंजाब रीडिंग में हमने किया था। तो देखें सूबा, सॉरी एक मिनट, सूबा पंजाब, और इसको बा नहीं लिखेंगे बल्कि बा पढ़ने में भी सूबा प न पन ज आ जा पन जा ब सूबा पंजाब में 5 प आ पा न और च 5 दरिया बहते हैं। और आखिर में जब हम कोई जुमला लिखते हैं तो उसके आखिर में ख़त्मा लगाते हैं जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। सवाल के बाद क्या आता है, सवालिया निशान, जवाब के बाद ख़त्मा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन मेरे साथ रीड करें, किस सूबे में 5 दरिया बहते हैं। इसका जवाब क्या होगा, सूबा पंजाब में 5 दरिया बहते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 यानी सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखें बुक में, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। लिखें क्वेश्चन जी, आप लोगों ने नोटबुक पे कल जो है वो 3 क्वेश्चन राइट किए थे, आगे ही उसी के आगे से ही आप लोगों ने इसी तरह से डेट राइट करके तो उसी के आगे से ही क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का, पाकिस्तान में मैंने कल आप लोगों को बताया था कितने शोशे बनने हैं, 4। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सब से बड़ा सूबा कौन सा है, कौन सा है, आखिर में सवालिया निशान, ठीक है। आगे देखें इसका जवाब,
हाँ जी, रीडिंग में क्या किया था कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? सूबा पंजाब। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सब से बड़ा सूबा, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। आगे ख़त्मा। हाँ जी, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। कौन सा सूबा है? सूबा बलूचिस्तान। अब देखें रकबे को, सवाल नंबर 5 देखें। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? अब इसका जवाब क्या होगा? रकबे के लिहाज से, रकबे क के टू डॉट, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सूबा बलूचिस्तान है। ठीक है, आगे देखें। हाँ जी, आगे देखें, सवाल नंबर 5 हमारा क्या था? रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। आगे नेक्स्ट पेज पे देखें, क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा? असफंद और जरमीना खैबर पख्तूनख्वा के कौन से शहर में रहते हैं? असफंद और जरमीना, देखें असफंद और जरमीना, ज़र म के बाद ई का शोशा बनाएंगे, जरमीना खैबर ख ए ब अरबर खैबर प ख पख, इसको कुछ बच्चे अलग भी लिखते हैं पख्तूनख्वा को और उनको कुछ जोड़ के भी लिख लेते हैं पख्तू, ये देखें नखवा इस तरह से भी लिखते हैं और इसको उनको अलग भी लिख लेते हैं, के कौन से शहर में रहते हैं? के कौन से शहर में रहते हैं? आगे क्या आएगा? हाँ जी, बता सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा? सवाल के बाद कौन सा साइन आएगा? सवालिया निशान। कौन सा? सवालिया निशान। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, असफंद और जरमीना खैबर पख्तूनख्वा के कौन से शहर में रहते हैं? तो रीडिंग में क्या किया था? खैबर पख्तूनख्वा के कौन से शहर में रहते थे असफंद और जरमीना? आप लोगों ने रीडिंग में किया है, देखें अब हमने इसका जवाब लिखना है। जी हाँ जी, जवाब क्या होगा इसका? असफंद और जरमीना खैबर पख्तूनख्वा के कौन से शहर में रहते हैं? देखें इसका आंसर। असफंद और जरमीना जहाँ पे इसका शोशा भी बनाएंगे ई का ऐसे, असफंद और जरमीना खैबर पख्तू नखवा
के शहर पेशावर, पेशावर देखें प आशा व अर वर असफंद और ज़रमीना खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में रहते हैं, में रहते हैं। अब जवाब के बाद हम क्या लगाएंगे? ख़त्मा, इंग्लिश में फुल स्टॉप और उर्दू में ख़त्मा, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। असफन और ज़रमीना खैबर पख्तूनख्वा के कौन से शहर में रहते हैं? असफन और ज़रमीना खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में रहते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिखा, अब आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी देखें सवाल नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, पाकिस्तान के परचम में कौन से दो रंग हैं? क्वेश्चन लिखें, पाकिस्तान पाकिस्तान के परचम में कौन से, सॉरी ये से कौन से दो रंग हैं? आगे सवालिया निशान, पाकिस्तान के परचम में कौन से दो रंग हैं? सवालिया निशान। आगे देखें इसका जवाब हम लिखेंगे। अब आप लोगों ने पाकिस्तानी परचम तो सब बच्चों ने देखा हुआ है, दिखा है ना पाकिस्तानी झंडा, तो उसमें कितने रंग होते हैं? जो शुरू में आपकी जो बुक में बना हुआ है देखें, उसमें भी पाकिस्तानी परचम बना हुआ है, ठीक है। जो पंजाब के बच्चे हैं उन्होंने पाकिस्तानी, उनके बैक साइड पे जो झंडा बना हुआ है वो पाकिस्तानी परचम है। तो पाकिस्तान के परचम में कौन से दो रंग हैं? पता है ना आपको कौन से दो रंग हैं? सब्ज और सफ़ेद, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सब्ज और सफ़ेद, ठीक है। आप देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सवाल नंबर 4। ये तो क्वेश्चन आंसर के पार्ट थे ना, तो अब आगे क्वेश्चन हमारा 4। खाली जगह में जगह दी हुई है, बुक के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, तो ये काम जो है जो आप लोगों ने बुक पे करना है, खाली जगह में पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखें, ठीक है। ये आप लोगों ने कहाँ पे काम करना है? बुक पर, खाली जगह में पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखें, ठीक है। वैसे तो पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, आप लोगों को पता होगा कि एक गिलगित बल्तिस्तान सूबा भी है, लेकिन यहाँ पर 4 सूबों की जगह उन्होंने कहा है कि 4 सूबों के नाम लिखें, तो हम यहाँ पर 4 ही सूबों के नाम लिखेंगे, क्योंकि बुक पे उन्होंने स्पेस ही 4 सूबों की दी है, इसलिए हम 4 ही सूबे लिखेंगे, ठीक है। ये देखें मैं अभी राइट कर रही हूँ, पहला सूबा कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, इसकी तरतीब आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है।
सूबा पंजाब। प न पन ज आ जाब पंजाब, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, द और जहाँ पे ह भारी आवाज़ वाला सिंध। फिर आगे तीसरे नंबर पे सूबा बलोचिस्तान, ठीक है, उससे आगे आएगा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, ये हो गए हमारे चारों सूबे। हाँ जी, देखें खाली जगह में पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखें। नंबर एक सूबा पंजाब, नंबर दो सूबा सिंध, नंबर तीन सूबा बलूचिस्तान और नंबर चार सूबा खैबर पख्तूनख्वा। आप यहाँ पे सूबा गिलगित बल्तिस्तान भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन चार आप कोई भी चार लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखें आप लोग, पहले तो मेरे साथ ये क्वेश्चन आप लोग रीड करें, ठीक है, जो आज हमने लिखे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर फोर, किस सूबे में पांच दरिया बहते हैं? तो सूबा पंजाब में पांच दरिया बहते हैं। सवाल नंबर पांच, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? जवाब, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। सवाल नंबर छः, असफंद और जरमीना खैबर पख्तूनख्वा के कौन से शहर में रहते हैं? तो इसका जवाब क्या है, असफंद और जरमीना खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में रहते हैं, ठीक है। अब इधर देखें सवाल नंबर सात, पाकिस्तान के परचम में कौन से दो रंग हैं, सब्ज और सफ़ेद? खाली जगह में, आगे देखें क्वेश्चन नंबर फोर, खाली जगह में पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखें। यहाँ पे बुक पे लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पे आपने लिखना है सूबा पंजाब एक जगह, दूसरी जगह पे सूबा सिंध, फिर नंबर तीन सूबा बलूचिस्तान, नंबर चार सूबा खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। उसके बाद देखें हमारा बुक का काम जो है, अब देखें सवाल नंबर पाँच, दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाएं, ठीक है। पहला लफ्ज़ क्या है, रौनक, ठीक है, तो हमने को देखें रौनक कौन सा ठीक है, ये मोटे वाला रौनक जो है ये ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सर्कल करना है, दायरा बनाना है इसके गिर्द, ठीक है। अब देखें सूबा से भी है, स्वा से भी है, और आगे स्वा के साथ ही है, और ब आबा, ये मैंने आपको लिखते हुए भी बताया था कि ब आबा वाला जो है ये ठीक नहीं है सूबा, बल्कि इमला के लिहाज से ये वाला सूबा जो है ये ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब देखें आगे सहरा, ये भारी आवाज़ वाला ये भी ठीक नहीं है, ये वाला ह ये भी ठीक नहीं है, ये स्वा ह र आ रा सहरा ये वाला ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें ऊंचे, ऊंचे ठीक है, ये अलिफ के ऊपर पेश है, इसमें ओ नहीं लिखा हुआ तो ये ठीक नहीं है, और ये ऐन के साथ लिखा हुआ है ये भी ठीक नहीं है, हमने किसको सर्कल करना है, ऊंचे इसको सर्कल करेंगे, जो ठीक अल्फाज है उसको हमने दायरा बनाना है उसके गिर, यानी उसको सर्कल करना है। इसी तरह से नज़ारे और नज़ारे और ज़ुआ के साथ, ज़ वाला भी ठीक नहीं है और ज़ुआ वाला भी ठीक नहीं है, ये वाला नज़ारे ठीक है, आपने इसको सर्कल करना है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो कंप्लीट हो गया है। दोबारा से देख लें, रौनक जो मोटे वाला क़ है वो वाला ठीक है, सूबा और सहरा ह वाला, ऊंचे ठीक है, और नज़ारे, हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप देखें हमारा है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सवाल नंबर छः देखें, दर्ज ज़ैल जुमलों में इसम के गिर्द दायरा बनाएं। इसमें पांच जुमले दिए हुए हैं, आपने इनमें से जो इसम हैं उनके गिर्द आपने
दायरा लगाना है, ठीक है, दायरा बनाना है। देखिए नंबर एक पे है, ये मेरे साथी बिलाल हैं। और आपको इसम का पता है कि इसम क्या होता है? पता है ना, यानी किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम हो तो उसको हम इसम कहते हैं। आप ये देखें इस जुमले में साथी, इसको हम सर्कल करेंगे, फिर बिलाल एक लड़के का नाम है, इसको हम सर्कल करेंगे अलग अलग, ठीक है। साथी और बिलाल इस जुमले में इसम है। अब नंबर दो पे देखें, पंजाब का मतलब है पांच पानी। इसमें क्या क्या इसम है आप लोग मुझे बताएंगे कि इसम क्या है इसमें? देखें पंजाब को के गिर्द दायरा बनाएं, पांच और पानी, ठीक है। अब नंबर तीन पे देखें, हमारे सूबे में अनार के बाद क्या लगा हुआ है? आपको पता है मैंने ये अलामत बताई थी कि कौमे को हम उर्दू में क्या कहते हैं? सकता। अनार, अंगूर और बादाम उगते हैं। अब इसको हम सर्कल करेंगे, अनार को, अंगूर और बादाम, ठीक है। इसमें सूबे भी आ जाएगा, ये इसम है, इनके गिर्द आपने दायरा बनाना है। अब नंबर पाँच पे देखें, ये नंबर चार पे देखें आप लोग, मैं आदम हूँ, आदम, मैं आदम हूँ, ठीक है। तो इसमें आदम जो है वो एक लड़के का नाम था, सबक में आप लोगों ने पढ़ा है कि उस वो कहता है कि मैं आदम हूँ और ये मेरे साथ माहगुल है, रीडिंग में आप लोगों ने किया है। तो दोबारा से देख लें, साथी और बिलाल, दूसरे सेंटेंस में पंजाब, पांच पानी, नंबर तीन में सूबे, अनार, अंगूर, बादाम और नंबर चार पे आदम, ठीक है। जी आप लोगों का यूनिट आज कंप्लीट हो गया, सबक हमारा, हम एक हैं, हमारा सबक कंप्लीट हो गया है। नीचे देखें क्वेश्चन नंबर सेवन है कि पाकिस्तान के परचम में सब्ज रंग मुसलमानों और सफ़ेद रंग गैर मुसलमों की नुमाइंदगी करता है, पाकिस्तान का परचम बनाएं। नीचे बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों ने पाकिस्तान का परचम पेंसिल से बनाकर फिर उसमें आपने कलर करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।